समस्त विश्व की मंगल कामना करते हुए आप सभी प्रिय दर्शकों का YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। जय श्री कृष्णा। मार्ग शीर्ष माह में करें ये पांच उपाय होगा धन लाभ। मार्ग शीर्ष में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं पूरी जानकारी। मार्ग शीर्ष का माह भगवान श्री हरि विष्णु और उनके आठवें रूप श्री कृष्ण की पूजा का खास महत्व रहता है। यह माह सभी तरह के संकट दूर करने वाला माह है। आइए जानते हैं इस माह में ऐसे कौन से उपाय करें कि आर्थिक संकट दूर होकर के धन लाभ हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो और सुंदर आपको जानकारी इसी तरह से मैं आपको देता रहूं। इन तीन पावन पाठ की बहुत महिमा है। विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवद गीता, गजेंद्र मोक्ष, इन्हें दिन में दो से तीन बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे सभी तरह के संकट दूर होंगे और धन लाभ होगा। मार्ग शीर्ष के महीने में शंख में जल भर करके उस जल को घर में छिड़कें। इस माह में शंख में तीर्थ का पानी भर करके अगर घर में जो पूजा स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र बोलते हुए घुमाएं, बाद में यह जल घर की दीवारों पर छींटें। इससे घर में शुद्धि समृद्धि बढ़ती है, सुख शांति आती है, क्लेश दूर होते हैं, धन आगमन के स्तोत्र बढ़ते हैं। मार्ग शीर्ष के महीने में तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी पूजा मार्ग शीर्ष माह में तुलसी को जड़ों से मिट्टी निकाल करके शरीर पर इसका लेप लगा करके स्नान करना चाहिए। स्नान के दौरान ओम नमो नारायण या गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत फलदायी होता है। मार्ग शीर्ष के महीने में नदी में बहाएं ये चीज़ें। इस माह में एक सफ़ेद कपड़े में छोटा सफ़ेद शंख चावल व बतासे लपेट करके नदी में बहाएं। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा, जिससे आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। मार्ग शीर्ष के महीने में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान का अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध भर करके उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें और उसी में गंगा जल व केसर मिला करके इससे माता लक्ष्मी का भी अभिषेक करें। इससे दोनों अत्यंत प्रसन्न होकर के आपके घर को धन धान्य से भर देंगे और किसी भी प्रकार से रुपए पैसों की कमी नहीं रहेगी। इस तरह से आप ये छोटे नियम अगर आप मार्ग शीर्ष के महीने में आप करते हैं तो मित्रों आपके घर पे जरूर सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास होगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स पर जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।